हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। ठीक है, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 2/4 और 1/2, तो देखा जाए तो वो दोनों इक्वल ही हैं। जैसे अगर मैं इसको कटिंग करती हूँ तो 1/2 आ गया, यानी दोनों फ्रैक्शन हमारे क्या हैं, 1/2 और 1/2 ही हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये वाला पार्ट मैं कंसिडर करती हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इस फिगर का दो पार्ट्स हैं और उनमें से मैंने कितना शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना है, 1/2। इसमें हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, और शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, 2/4। इसमें क्या है कि हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9, और शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, 3। राइट, तो अब जैसे अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो इसको मैं कटिंग करके क्या लिख सकती हूँ, 1/2। राइट, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये दोनों क्या है हमारे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट, और 3/9 को अगर मैं कटिंग करके लिखूँ तो 1/3, यानी ये इन 1/3 जो है वो इन दोनों फ्रैक्शंस के इक्वल नहीं है, बट ये और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जैसे अगर मैंने लिखा 9/27, तो बेसिकली कटिंग करके मिनिमम फॉर्म में लाना, जैसे 9 1 9, 9 3 27, सो इट विल बी इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये आपकी 1/3 क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे इसमें 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म थी, इसमें 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम पढ़ेंगे कि 1/3 और अगर हमें 2/7 दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले 1/3 और 2/7 आपको पता ही है कि मिनिमल फॉर्म में, अब इसको हम कटिंग तो कर नहीं सकते, तो ये क्या है, तो ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है ना, मतलब हम इसको अलग से कटिंग भी नहीं कर सकते और दोनों इक्वल भी नहीं है। जबकि 2/7 इसको मैं अब कट कर सकती हूँ, जैसे अगर मैं इसको 3 से कट कर सकती हूँ, इसको तो मैं नहीं कट कर सकती, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। देखो अब इसमें क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनको मैं कट नहीं कर सकती, इसमें ये भी प्राइम नंबर है और 1/3 अब और किसी से नहीं कट सकता। ठीक है, और 6/21 में क्या हो जाएगा, 3 से मैं कट कर सकती हूँ, 3 2 6, 3 7 21, तो ये क्या हो जाएगा, 2/7, ये तो थाई 2/7 और ये वाला भी क्या है, 2/7। यानी मैं इसको क्या कर रही हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने जब देखा तो 2/7 इक्वल टू 2/7, यानी ये क्या है हमारा, इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉट इक्विवेलेंट, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा नॉट इक्विवेलेंट है और सेकंड वाला हमारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसके पास आपके पास एक और थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड दी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना। हमें क्या करते हैं, जब भी हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक फ्रैक्शन के करने होते हैं तो हम उससे एक बार ही 1 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं और फिर 5 से करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपने कभी 5th क्लास में सीखा भी होगा, बट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो अगर मैं 2/3 × 1 × 1 करती हूँ, ठीक है, एक हो जाएगा 2/3 × 2 × 2। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और नेक्स्ट वाले में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड 2 × 5 × 3 × 5। राइट, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2/3, ये तो फर्स्ट ही है तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 2/3 का है ही। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, 2 2 जो 4, 3 2 जो 6। ठीक है, 3 2 जो 6 अपॉन 9, ये हो जाएगा 4 2 जो 8 अपॉन 12 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 3 3 5 जो 15। ठीक है, 10 अपॉन 15, तो ये सारे हमारे फ्रैक्शंस आ गए। और हमें एक और लिखना है तो हम 3 × 6 कर देंगे, तो 6 2 जो 12 अपॉन 6 3 जो 18। तो अगर मैं इसको कट करती हूँ ना, वो 2/3 ही आना चाहिए क्योंकि हमें इक्विवेलेंट ढूंढना है। इक्विवेलेंट मैंने बताया कि अगर एक फ्रैक्शन है तो दूसरा कटिंग करके वही आना चाहिए, तो यानी ये कटिंग करके 2/3 ही आना चाहिए, जबकि हम लिखेंगे 2/3 नहीं, हम लिखेंगे 4/6। यानी अब मैं अगर इसको कटिंग करती हूँ, राइट, तो ये जाएगा 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, यानी 2/3 आ गया। राइट, यानी दैट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इस तरह से। जैसे 1/5 को बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, ठीक है, फिर 1 × 3 एंड 5 × 3, ठीक है, फिर 1/5 था तो उसको 4 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 1 को 5 और 5 को भी 5 से कर दी, इसी तरह से 6 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 15, 4 अपॉन 20 और ये जाएगा 5 अपॉन 25। तो अगर मैं इसको कट करती हूँ तो वो 1/5 ही आना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से 3 5 जो 15, 1/5 ही आएगा। तो क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक 2/10, एक 3/15, 4/20, 5/25। ठीक है, नॉर्मली हमें बस मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर अभी मुझे क्या करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, अगर हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और विद डिनोमिनेटर 63, यहाँ पे 63 है, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। 9 के टेबल में 63 कब आता है, 7, है ना, 9 7 जो क्या होता है, 63। राइट, तो यानी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे मैं 7 से कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं 7 से करूँगी, तो 2 7 जो 14। राइट, इसी तरह से अब हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है 12 और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है डिनोमिनेटर। अब इसमें मैं क्या रिलेशन है, 3 4 जो 12, तो इसी तरह से 7 4 जो 28।
राइट तो इससे हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया. अब जैसे अगर ये मैं फर्स्ट वाला वेरीफाई कराती हूँ, 2 by 9 = 14/63 हमने करा, 7 से कट करो, 7 2 14 7 9 63, तो ये हमारा 2 by 9 जो है वो कट करके 2 by 9 ही आ जाएगा. तो दैट मीन्स इट्स अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इट्स एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.